कोरोना संकट के समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच एक वॉरियर के रूप में खड़े नजर आए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जनता का हौसला बढ़ाया तो साथ ही आमजन को संदेश भी दिया कि मरीजों के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें, बल्कि इस कठिन समय में कदम से कदम मिलाकर चलें। दौरे कोरोना में जहां खूनी रिश्तों की गर्मी नहीं दिखी, जहां रिश्तों ने मुंह फेर लिया, जहां परिजन कतराए, जहां आस पड़ोस कतराया, जहां लोग मिलने से कतराए, जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ऐसा समझा गया जैसे वो अपराधी, तब प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच जनता के लिए उनकी चिंता करते एक दो नहीं बल्कि कई बार देखे गए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कई बार जनता के बीच जाकर न सिर्फ उनको जागरूक किया बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों का नतीजा रहा कि अब प्रदेश में रिकवरी रेट 78% है। वहीं कोरोना की इस विभीषिका के आगे हौसलों को बुलंद रखते हुए मरीजों की चिंता करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के कोविड सेंटर पहुंचे और वहां मुलाकात की मरीजों से, वो मरीज जो कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने न केवल उनका हौसला बढ़ाया बल्कि ये भी कहा कि हम इनके साथ हैं और संदेश दिया आम जन को कि भेदभाव नहीं करें, बीमार को सहयोग दें, उनका साथ दें। मेरी मान्यता ऐसी है कि जो कोरोना से प्रभावित हो जाते हैं, कारण जो भी हो, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, पर शारीरिक अस्वस्थता के साथ साथ इस कोरोना ने रिश्ते भी रक्तरंजित कर दिए। मोहल्ले के लोग अगर किसी को कोरोना हो जाए तो ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई अपराध कर दिया। मैं इसलिए उनके बीच में आया कि उनका डाटा सुनने और लोगों को प्रेरणा भी मिले कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सिर्फ सावधानी की जरूरत है। सावधानी रखो और रिश्तों को खूब अच्छे से निभाओ। गौर हो कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य महकमे के मुखिया हैं और जब मुखिया खुद कोरोना पॉजिटिव का दर्द समझे तो संबल मिलता है। कोरोना संकट में पीपीई किट पहने स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के बीच जाकर जहां मुलाकात की, वहीं महामारी से मुक्ति की अरदास लेकर बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे। प्रार्थना की हाथ जोड़ के, उनके पैर पड़ के, कोरोना को किल करो, इस कोरोना से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलवाओ। और आपने देखा भी होगा कि हमारी रिकवरी बाबा ने 78% कर दी। आज भी मैं गया था उन पेशेंटों के बीच गया था, क्योंकि मेरी मान्यता है कि कोरोना शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पे भी असर डाल रहा है। वो रिश्तों को रक्तरंजित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिश्ते और भाईचारा फिर बन जाए। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत फिर प्रार्थित। दवा के साथ दुआ की कहावत तो आपने सुनी ही होगी और इस संकट के समय खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बाबा से कोरोना के संकट को दूर करने की प्रार्थना करते दिखे। बहरहाल प्रदेश सरकार ने कोरोना के संकट से निपटने के लिए हर जरूरी कदम को उठाया, जिसके नतीजों में अब सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं।